नमस्कार दोस्तों, आज पुनः मैं बात करने जा रहा हूँ एक नई बीमारी के लिए, एक्नी। एक्नी या पिंपल्स से हर कोई बहुत ही फैमिलियर है। हर किसी को कभी न कभी गाल पर या चेहरे पर या माथे पर एक्नी के दाने हुए होंगे या एक्नी का इरप्शंस हुआ होगा। ये देखिए, माथे पर जिस तरीके से ये देख रहे हैं ना, पस्टुलर ये इरप्शंस होता है, बहुत सारा चेहरा पूरा ख़राब हो जाता है। ये चेहरे पे भी ऐसा हो जाता है, कई बार उनके निशान बहुत गड्ढे से हो जाते हैं और वो जाता नहीं है बहुत आसानी से। लेकिन होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और मैंने कई सालों से, लगभग 20 सालों से एक्नी के जो ट्रीटमेंट किए हैं, आप ये मानिए कि बिना लगाने का दवाई दिए एक भी निशान नहीं बचता है चेहरे पर। एक्नी कई बार हमको चेहरे के साथ साथ शोल्डर्स पे हो जाता है, कई बार बैक पे आ जाता है। मैंने जो देखा है पूरे बैक पे, पूरे शोल्डर्स पे भी लड़कियों को एक्नी होते देखा है। वास्तव में एक्नी का कारण क्या हो सकता है? अगर एक्नी का मैं रियल रीजंस की बात करूँ तो उसमें हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि जैसे ही 13-14 साल की उम्र होती है, 13-14 साल से लेकर के 25 साल 28 साल के लोग तक हमारे पास आते हैं, इवन 35 साल के लोग भी आते हैं एक्नी के लिए। तो जब हार्मोनल चेंजेस होता है उस समय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होता है, तो उसके कारण एक्नी हो जाता है। और उससे युवा वर्ग, हमारा नए जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब फिजिकली भी परेशान हो जाते हैं और मेंटली भी परेशान हो जाते हैं। जैसे ही गाल पे एक पिंपल हो जाता है तो उसके साथ ही लोग चिढ़ाने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, पूरा चेहरा ख़राब हो जाएगा, तो उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी दिखाने के लिए, उसके गाल पे केवल एक ही दाना था। मैंने बोला ये तो ज़रा सा आपको परेशानी है, तो बोली नहीं सर, वो मेरी पड़ोसन, वो मुझे बार बार बताती है कि आपके गाल पे एक दाना हो गया है। तो उसको वो, उसकी बीमारी से ज़्यादा वो पड़ोसन जो बार बार उसको बताती थी उससे बहुत परेशानी थी। तो इसके लिए होम्योपैथिक इलाज में क्या क्या दिया हुआ है, मैं लिलियंथल से बात कर रहा हूँ। लिलियंथल ने कई सारा टाइप्स इसमें बताया है। वैसे तो लोगों को जो कॉमन टाइप मालूम है उसमें एक्नी रोजेजा और एक्नी वल्गारिस ही मालूम है, लेकिन होम्योपैथी में लिलियंथल साहब ने काफ़ी सारा बताया है। इसमें इन्होंने बताया है एक्नी डिसेमिनेटा, एक्नी डिसेमिनेटा के लिए उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिखा है। एक्नी डिसेमिनेटा का उन्होंने बोला है पिम्पल्स इन द फेस ऑफ यंग पीपल्स, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयों के लिए बात किया है। उसके अलावा उन्होंने बात किया है एक्नी इंड्यूरेटा, इंड्यूरेटा मतलब इंड्यूरेटेड पिंपल्स। और उसके नेक्स्ट जो बात करा है वो है एक्नी मिलियारिस, पिंपल्स ऑफ द यंग क्लोरोटिक गर्ल्स। उसके अलावा बात किया है एक्नी पंक्टेटा, उसके अलावा बात किया है एक्नी रोजेजा, उसके अलावा बात किया है एक्नी वर्मीफॉर्मिस, और बात करा है एक्नी ऑफ ड्रंकर्स या एक्नी ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारा उसका टाइप बताया है और हर टाइप के लिए अलग अलग दवाइयाँ बताई हैं। मैंने जो एक्नी पे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ किया है उसमें बहुत अच्छा काम करती है नेट्रमयूर, उसके अलावा एसिड फ्लोर, उसके अलावा साइलिशिया, ग्रेफाइटिस, हीपरसल्प, बेलाडोना, पल्सेटिला और नक्स वोमिका। तो आप भी दे सकते हैं सिम्टम्स के आधार पर और लक्षण के आधार पर। इसके अलावा जो अनकॉमन है उसमें एंटीम क्रूड भी खूब अच्छा काम करती है। जिनको शोल्डर्स पे या बैक पे हो जाता है उनके लिए एसिड फ्लोर और सैलिशिया खूब अच्छा काम करती है। चेहरे के लिए तो आपको पता ही है कि अगर गर्ल्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पल्सेटिला इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा नेट्रमयूर इज़ ऑल्सो द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन मैं हमारे युवा साथियों को जो हमारा YouTube चैनल देखते होंगे उनको मैं यह समझाइश देना चाहता हूं कि मेरे बताने के अनुसार आप खुद से दवाई नहीं लें। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और लगातार पिछले 20-22 वर्षों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोगों को बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिल रहा है। आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से कंसल्ट करके बीमारी के स्टेज को उनको बता करके, दिखा करके कितने समय से आपको परेशानी है, होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826042287। कई बार मेरे पास होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स का फ़ोन आता रहता था कि सर आप दवाइयाँ नहीं बताते हैं। तो एक्चुअली दवाइयाँ तो सारा किताब में लिखा है, मैं चाहता हूँ कि बीमारी के साथ साथ मेरे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँ, इसलिए मैं ये इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करके एक
प्रयास किया है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों के सलाह सुझाव भी आमंत्रित हैं। आपको लगता है कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो एक्नी या पिंपल्स के लिए आप होम्योपैथी को अपनाएं। होम्योपैथिक बहुत ही सेफ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कॉमन जो दवाई इसके लिए है एक्नी के लिए जो सभी लोग देते हैं उसमें है बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर या बर्बेरिस एक्वाफोलियम का ऑइंटमेंट भी आता है, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो लोग करते हैं। मुझे उसमें कोई सलाह देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर भी दवाइयों का चयन कर सकते हैं, दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। स्किन के लिए होम्योपैथिक इज बेस्ट ऑप्शन। तो आप स्किन की कोई भी समस्या हो उसके लिए होम्योपैथी को अपनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।